जय हिंद। आज हम बात करेंगे फिलिप्स कंपनी का 58 वॉम वाट ट्यूबलाइट। दोस्तों ये जो आपको ट्यूबलाइट दिख रही है फिलिप्स कंपनी का 58 वॉम वाट ट्यूबलाइट। दोस्तों जो ट्यूबलाइट रहती है उसके अंदर दो पैटर्न रहते हैं, एक रहता है जो रहता है एक वॉम वाट और दूसरा रहता है कुल डे लाइट। दोस्तों मतलब वॉम वाट और कुल डे लाइट में इन दोनों में क्या डिफरेंट हो सकता है? जो वॉम वाट रहता है ना उसका ब्राइटनेस आपने देखा होगा थोड़ा येलो कलर टाइप रहेगा, नॉर्मल आपने देखा होगा थोड़ा येलो कलर टाइप उसका ब्राइटनेस रहेगा, और कुल डे रहते हैं वो कम्प्लीटली व्हाइट रहता है। दोस्तों तो इसके वजह से वॉम वाइट और कुल डे लाइट ये दोनों टू ट्यूबलाइट के अंदर नो नॉर्मल जो कलर रहेगा ना ब्राइटनेस का पैटर्न वो दोनों इसके अंदर हो सकता है। दोस्तों अगर आप इसको लेना आप इसको डेफिनेटली परचेज कीजिए। इसका प्राइस है 250 रुपीज़ या 300 रुपीज़ तो दोस्तों आपको मिल जाएगा। अगर ये मार्केट में फिलहाल इसका प्राइस है 250 रुपीज़ या 300 रुपीज़ तो मिल जाएगा, वो दो साल का वारंटी, मतलब दो साल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है ये आपको रिप्लेसमेंट डेफिनेटली मिल जाएगा। दोस्तों ये जो ट्यूबलाइट रहते हैं ना उसका जो लेंथ है ना वो आपने देखा वो नॉर्मल 1 फुट इतना ही रेंज रहेगा, मतलब नॉर्मल लॉन्ग नहीं रहेगा ये, नॉर्मल छोटा सा मतलब लेंथ ये 1 फुट तक आपको इसका लेंथ दोस्तों मिल जाएगा। आपने देखा होगा जो हमारा लॉन्ग ट्यूबलाइट रहता है ना उसके अंदर अपने उसको कम से कम 3 या 4 फुट का वो नॉर्मल ट्यूबलाइट रहता है। दोस्तों आपने देखे बेसिकली अपने नॉर्मल जो उसका रेंज रहता है ना वो 3 या 4 फुट का रहता है। दोस्तों तो ये जो आपको नॉर्मल बेसिक स्मॉल ट्यूबलाइट है ना इसका 1 फुट तक उतना रेंज रहेगा। ये जो ट्यूबलाइट है ना हम ज़्यादा से आप किचन में लगा सकते हो। दोस्तों किचन में जो हमारा है ना आपने देखा होगा किचन जो रहता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल रहता है, उतना हमारा बड़ा किचन नहीं रहता, तो वो किचन के हिसाब से ये आपका ट्यूबलाइट बहुत ही अच्छा 58 का है। दोस्तों ये जो है ना कम्प्लीटली इंस्टॉल भी करने के लिए बहुत ही ईजी है। इसके साथ दोस्तों ना आपको नॉर्मल दो लॉक मिल जाएगा, आप देखा होगा अगर उसको ओपन कर दिया ना तो दो इसके साथ लॉक रहेगा। अगर आपको अच्छी तरीके सेंटर में लगा के उसको दो साइड में दो स्क्रू लगा के उसको अच्छी तरीके से फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों इसको फिक्स करना हो ना तो मैं आपको एक नॉर्मल सजेशन बताऊँ। आपने देखा होगा किचन के अंदर ना आपने एक नॉर्मल एक एंगल होल्डर रहेगा, मतलब जो लाइट का पॉइंट रहेगा ना, तो लाइट के पॉइंट जो रहेगा एंगल होल्डर ना उसके ऊपर कम से कम 2 या 3 इंच के उसके ऊपर आप उसको ट्यूबलाइट को लगा दीजिए। उसके बाद जो दो वायर रहेगा ना उसको आपको एडाप्टर को कनेक्ट करके आप जो होल्डर रहेगा उसके अंदर कनेक्ट कर दीजिए, वो आप जो इंस्टॉलेशन हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ही दिखने में भी ईजी रहेगा और बहुत ही अच्छा देगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा दिखने में बहुत अच्छा। तो ये नॉर्मल आई थिंक हो जाएगा कनेक्शन, अगर आपको करना है आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं क्योंकि ये ईजी बहुत ईजी हो सकता है। तो दोस्तों ये ना इसका प्राइस आपने देखा तो 200 रुपीज़ या 300 रुपीज़ तो हो सकता है मेरे हिसाब से, पर इसको दो साल का वारंटी, मतलब दो साल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है या आपको रिप्लेसमेंट डेफिनेट। फिलिप्स का जो प्रोडक्ट रहता है ज़्यादा से ज़्यादा दो साल का वारंटी देता है, पर दोस्तों इसका जो प्राइस बहुत ही मेरे हिसाब से ये 250 रुपीज़ या 300 रुपीज़ से नॉर्मल बेसिक प्राइस रहता है मार्केट में ना, यही प्राइस आपको मिल जाएगा 300 रुपीज़ या 250 रुपीज़ नॉर्मल अगर देखा होगा ना तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वालिटी, क्योंकि फिलिप्स का जो प्रोडक्ट रहता है तो कभी आपने देखा होगा उसका कम से कम 3 या 4 साल तक वो दोस्तों इजी आराम से चल जाता है, तो क्वालिटी बहुत ही अच्छा। अगर आपको लेना है आप इसको डेफिनेटली परचेज करते हैं। अगर आपको इसको बेडरूम में लगाना तब बेडरूम में लगा सकते, आपको लिविंग रूम में लगाना तो आपको लिविंग रूम में। दोस्तों ये कि नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन वीडियो था, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।